हेलो फ्रेंड्स, आज की पढ़ाई के लिए मैं सत्यम दीक्षित आज की पढ़ाई के लिए रोमन नंबर्स लाया हूँ, जो कि बहुत काम आते हैं फोर्थ क्लास में और पेपर में भी बहुत आएंगे। तो वो 7 बेसिक रोमन नंबर्स होते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम आपको 7 बेसिक रोमन नंबर बताएंगे। जैसे हमारे में होते हैं 5, 10, 1, ऐसी रोमन में होते हैं 7 बेसिक रोमन नंबर्स। उन्हें बोलते हैं आई वी एक्स एल सी डी एम। मैं इनके मतलब समझाता हूँ आपको। आई का मतलब होता है 1, वी का मतलब होता है 5, एक्स का मतलब होता है 10, एल का मतलब होता है 50, सी का मतलब होता है 100 और डी का मतलब होता है 500 और एम का मतलब होता है 1000। इन्हीं से सारे रोमन नंबर बनते हैं। ओके, और ये है हिंदू और देखो, 1 को लिखते हैं आई, 2 को लिखते हैं डबल आई, 3 को लिखते हैं ट्रिपल आई। अब 5 का बताता हूँ। 5 को लिखते हैं वी, जो मैंने आपको पहले रोमन नंबर्स में बताया था। और अब 4 को बोलते हैं 1V। 1V इसलिए बोलते हैं कि जैसे 5 में इसे लिखते हैं, क्योंकि 5 में से अगर हम कोई भी नंबर में से पहले लगा दें ना, पीछे लगा दें 1, अगर हम V से पहले 1 लगा देते हैं तो हम मतलब V से 1 माइनस कर रहे हैं। अब हम बनाएंगे 6 का, तो हम लगाएंगे V और उसके आगे एक 1। आगे इसलिए लगा रहे हैं मतलब एक प्लस हो गया 5, ये V मतलब 5 और प्लस 1 इज इक्वल टू 6। ओके, अब बता, ऐसी 7 होगा और ऐसी 8 होगा। चलो मैं लिख ही देता हूँ V और 1, 2। ओके, अब बनाएंगे 8। अब सारे ऐसे होंगे, बस मैं आपको 10 का बताता हूँ। अब देखो, अब मैं आपको 10 का बताता हूँ। 10 का होता है X। ओके, अभी नया वो अल्फाबेट आ गया है, इसलिए हम इसमें माइनस करेंगे। माइनस कैसे किया था पहले आप सोचो, फिर मैं आपको खुद लिख के बताऊंगा। अब कमेंट बॉक्स में बताओ। ओके, अब मैं लिख देता हूँ एक्स, उससे पहले लगा देंगे 1। ओके, मतलब आई। अब इसे ऐसे कर देंगे, इसका मतलब होगा कि हम इसे 10 में से 1 माइनस कर रहे हैं, तो इसका हो जाएगा 9। ओके, चलो अब हम एग्जांपल लेते हैं 14 और 17 का। अब इन्हें मैं आपको दिखाऊंगा इसे रोमन में कैसे चेंज करेंगे। 14 को हम ऐसे लिखेंगे कि 10। ओके, इसमें 10 आएगा, 10 प्लस 4। ओके, अभी तो ऐसे ही मैथ में लिखता हूँ। अब इसका रोमन होगा एक्स। ओके, एक्स और फिर 4 कैसे लिखा था मैंने आपको इसमें बताया था ना टेबल में। ये रहा देखो, ये रहा 4, 1V। अब इसके आगे लगा देंगे हम 1 और V। ओके, और इसके आगे खींच देंगे लाइन, ये हो जाएगा आपका 14। ओके, 14। अब 17 का एग्जांपल देता हूँ। ओके, 17 लिखेंगे हम 10। ओके, 10 प्लस 5, क्योंकि इसमें 10 और 5 आ जाएंगे, 10 प्लस 5 और प्लस 2। अब मैंने आपको बताया था, अब इसे लिखेंगे एक्स। ओके, 5 कैसे बताया था मैंने आपको टेल में बताया था ना, वी। अब वी एक्स वी। ओके, अब आएगा 2। 2 को लिखते हैं डबल आई, तो अब इसे लिखेंगे डबल आई ऐसे। ओके, अब खींच देंगे लाइन, ये हो जाएगा 17 आपका। ओके, द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 23। ओके, 23, अब इसका मैं आपको बताता हूँ। पहले आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, थोड़ा सा टाइम देता हूँ। अब मैं कन्वर्ट करूँगा यानी हिंदू अरेबिक में, फिर आपको रोमन में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा, जैसे अभी इसमें लिखा है। ओके, अब 23 को लिखेंगे हम पहले 10 प्लस 10। ओके, प्लस 3, ये तो ऐसा हो जाएगा 3 डिजिट का, अभी 2 डिजिट का बताया था। अब इसका कैसे होगा, एक्स और फिर 3 आपको बताया था ना कैसे लिखने हैं ऐसे। अब लाइन खींच देंगे, हर के ऊपर लाइन खींचना कंपल्स। द नेक्स्ट एग्जांपल इज 29। अब 29 को मैं अभी बताता हूँ। 10
ओके प्लस 10, ओके प्लस 5 और अब प्लस 4, ओके। अब इनको मैं रोमन में कन्वर्ट करूँगा जैसे यहाँ पे लिखा है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख ही देना, ओके। अब मैं लिखता हूँ इसका आंसर, 10 प्लस 10, ओके एक्स, ओके एक्स वी और 4 मैंने बताया था ना यहाँ पे, ये रहा 4, 1 और वी, ओके 1 और वी। अब खींच देंगे इसके आगे लाइन, हो जाए। पर आप ऐसे सोच रहे होंगे कि ऐसे लिखेंगे पर ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो ये है गलत। ऐसे जब 1000 को एम लिखते हैं तो ये इतना बड़ा कैसे हो सकता है, ये है गलत। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसे कैसे लिखते हैं। ऐसे हम लिखेंगे 10 प्लस 10 और 9, ऐसे भी तो हो सकता है 29। अब हम लिखेंगे एक्स एक्स 1 एक्स हो गया, ये हुआ, ये हमने आई इसलिए लगाया क्योंकि ऐसे ही तो 9 लिखते हैं, एक्स में से 1 पहले 1 लिखेंगे तो माइनस ही तो हो जाता है, ऐसे ही लिखते हैं 9। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 39। 39 का भी मैं, आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए और जब तक मैं आंसर बता देता हूँ, ओके। 39 का आंसर है एक्स, नहीं यार पहले मैं आपको हिंदू अरेबिक में दिखाता हूँ, ओके 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 9। क्यों आप सोचोगे ज़्यादा नंबर लिख देंगे 5 और 4, पर ऐसा नहीं, मैंने ऊपर भी ऐसे बताया था ना कि ये गलत हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, जब 1000 को हम लिखते हैं तो इतना बड़ा कैसे हो रहा है, 9 लिखेंगे, ओके। और अब इसका कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिख ही दिया होगा, पर मैं अब आंसर बताता हूँ इसका असली, वो एक्स और एक्स और फिर एक्स, ये हो गया 30। अब 9 और करना है तो 1 और फिर एक्स ऐसा, पर एक एक्स बढ़ गया यहाँ पे भी, अगर हम एक एक्स यहाँ पे बढ़ा देंगे ना तो यहाँ पे हो जाएगा ये 39, ओके। अब लाइन खींच दो, आपको अभी तक तो समझ आ ही गए होंगे, पर अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जब तक मैं और वीडियोस बनाऊंगा, आपको जैसी वीडियोस चाहिए हम देंगे, एक्टिविटीज़ की, पेपर एक्टिविटीज़ की। और हाँ, मुझे प्लेन वगैरह कई सारे निंजा स्टार वगैरह बनाना आता है, उसकी भी वीडियो चाहिए, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में दिखाएँ। जब तक के लिए बाय बाय।